छात्रों, हम विज्ञान विषय में कक्षा 10वीं में जो हमारा अध्याय एक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, बहुत ही सरल हैं। जैसे एक प्रश्न ये है कि जो तेल और वसा युक्त पदार्थ हैं, जो अधिकतर बाजार में आते हैं पैक होके, उनको हम नाइट्रोजन गैस से, पैकेट बंद रहते हैं, उनको हम नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों करते हैं? इसलिए प्रश्न है कि जो तेल और वसा युक्त पदार्थ है, उसको नाइट्रोजन गैस से क्यों हम प्रभावित करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये तेल और वसा युक्त जो पदार्थ हैं, ऑक्सीजन से, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके आसानी से उपचयित हो जाते हैं और अपना जो गंध है, स्वाद है, वो खो देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सक्रिय गैस है, क्रिया कर लेती है, उपचयन कर देती है। लेकिन नाइट्रोजन गैस से यदि हम इसको प्रभावित करेंगे तो नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, ज्यादा क्रिया नहीं करती है और पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप उसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। वैसे हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा।
और भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा गया है? ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये प्रश्न है, श्वसन क्रिया जीवों में होती है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जल वाष्प भी उत्पन्न होती है, और उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो ये एक प्रकार का मंद दहन है। मंद दहन होता है, हमारा भोजन पचता है, और इस प्रकार बहुत ही मंद, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं कि क्यों इसको हम मंद दहन कहते हैं, या मंद दहन भी कह सकते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प मतलब पानी की भाप। तो एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें CO2, जल वाष्प, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये ऊष्मा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा है वो उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। धन्यवाद। ये दो ही